उसके ऊपर टॉर्चर करूंगी, पूरा दिन का काम आज उससे कराऊंगी और आप लोग देखना ओके, पूरा रात उसको चीज में बांध के जाऊंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीठू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ करना है और वो भी आप लोगों के सामने आज कुछ करना है। आज किसी के ऊपर टॉर्चर करना है। आज मुझे घर में आज महाभारत होने वाला है। कल मैं सुन रही थी, वो फोन पे उसका फ्रेंड को बोल रही है, सुन संडे का दिन किधर मत जाना, घर में रहना क्योंकि वाइफ को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। हाँ, पूरा वीक ये लोग इतना काम करते हैं और संडे को हम हस्बैंड लोग थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो कितना अच्छा होता है ना, उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन खुद क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं? मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा दिन क्या करते हैं, कुछ नहीं। और दूसरे को बहुत बड़ा बड़ा के अंदर है तो वो फ्रेंड तो सोचेगी हाँ निखिल कितना काम कर रहा है घर में, संडे को कितना वाइफ को हेल्प करती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं कुछ करूंगी, उसके ऊपर टॉर्चर करूंगी, पूरा दिन का काम आज उससे कराऊंगी और आप लोग देखना वो क्या करते हैं। जैसे भी करना है उसको कराऊंगी मैं आज पूरा दिन। तो चलिए पहले स्टार्ट, क्या बोलते हैं इसको, महाभारत स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों के सामने, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या करती है। घर पोछा से शुरू कर, नहीं पूजा जो है ना वो मैं कर लिया क्योंकि उसका रिक्स मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि पूजा के टाइम वो पूजा देने का शिव जी का फ्लावर इसके ऊपर, उसका फ्लावर तो नहीं चाहिए मुझे, भगवान के साथ नहीं करना मुझे, क्योंकि इसलिए मैंने पूजा वगैरह दे दिया। लेकिन ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बनाया, वो बैठा है क्या पता है क्यों बैठा है। सोच रही थी मीठू तो ब्रेकफास्ट बना के लेके आएगी, लेकिन मैंने बनाया नहीं अभी तक, अभी आज उसने ब्रेकफास्ट। चलिए मैं दिखाती हूँ पहले उसको क्या कर रही है, पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसके बाद वो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा उसको। चलिए दिखाती हूँ। क्या कर रहे हैं जी आप बैठे बैठे? चाय नहीं पीना? अभी तक तुमने दिया नहीं, कैसे पियूं? आज चाय नहीं बनाऊंगी मैं, आज चाय नहीं बनाऊंगी, आज कुछ नहीं मैं करूंगी। आज तुम्हारे लिए एक धमाकेदार कुछ है आज। मेरे लिए धमाकेदार क्या? आज धमाकेदार कुछ है आज, क्या है बताओ तो सही। सुनोगे तो तुम्हारा क्या खुश हो जाएगा, दिल तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। लेकिन मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए, आज आज घर का, आज संडे है और संडे के दिन आज घर का पूरा काम तुम करोगे, पूरा काम मैं करूंगी, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, डिनर बनाना, एवरीथिंग। और मैं आज पूरा दिन बैठे रहूंगी। किस खुशी में मैं इतना सारे काम करूँ आज? क्योंकि फ्रेंड को बता रही थी, सुन संडे का दिन वाइफ को थोड़ा सा हेल्प कर देना क्योंकि ये लोग पूरा हुए काम करते हैं। लेकिन बात तो सही बताया था ना मैंने, बात तो सही है इसीलिए मैंने बताई है। तो तुम बात तो आज इसलिए मैं तुम्हारे, इसलिए आज भी तो संडे है ना, तो आज पूरा दिन तुम काम करोगे, मैं बैठे रहूंगी। दूसरे को बताना है, खुद नहीं करना है। ओ अच्छा अच्छा, सिर्फ दूसरे को कुछ देने के लिए, पहले खुद के ऊपर अप्लाई करो। आज सुबह ब्रेकफास्ट से निखिल का दिन का शुरुआत हो जाता है, महासंग्राम महाभारत जो भी आप लोग बोलिए, जो भी आप लोग समझिए, आज निखिल का शुरुआत। अभी तक एक कप चाय नहीं पिया, अभी तक एक कप चाय नहीं पिया। मजाक मजाक से क्यों बोलते हो तुम? जो खुद नहीं करते तो मजाक से दूसरे को क्यों बोलते, जो खुद नहीं करते दूसरे को तुम क्यों बोलते हो, दूसरे को ज्ञान देने वाला। चलिए अभी आप चाय, इसके बाद ब्रेकफास्ट, चाय के साथ ब्रेकफास्ट भी चाहिए। आज मैं सोफे में बैठे रहूंगी। देखिए बातों बातों में मुझे उलझा रहा है, देखा आप लोगों ने? चलो नहीं, बात में सुलझा रहा है नहीं। चलो अभी चाय, किचन में सीधा घुस जाओ, चाय बनाना है, ब्रेकफास्ट बना, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चले जाओ। अरे सीरियस? हाँ सीरियस, आज सीरियस हूँ मैं। चलो इतना सीरियस मत बनो। हाँ चलो अभी बात नहीं करूंगी मैं, मुझे भूख लगी है, चाय लेके आओ, मैं अभी बैठ रही हूं सोफे में। कॉर्नफ्लेक्स में दूध डाल के शक्कर डाल के खाओ। नहीं नहीं नहीं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं चलेगा, नहीं नहीं कॉर्नफ्लेक्स नहीं चलेगा, कॉर्नफ्लेक्स नहीं चलेगा, कुछ बना के खिलाना पड़ेगा, जाओ फटाफट जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या बनाओगे तुम, रोटी? नहीं नहीं, वो तो बहुत भारी काम है। पास्ता? अरे नहीं, वो तो कभी सोचा ही नहीं मैं। चाउमीन? अरे फिर भी मैं तुमको ऑप्शन दे रही हूँ, चाउमीन ले लू।
दो मिनट में फटाफट करके दे दो, देखा हो जाए। ठीक है इतना तक मैंने छोड़ दिया, चलो मैगी बना दो, फिर भी तो बनाओगे ना कुछ, जब अभी निखिल जाएगा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इसके बाद आप लोग देखते रहिए निखिल पूरा दिन क्या क्या करेगा, रेडियो की तरह कमेंट्री देते रहो। और मैं जो अभी पैर को नीचे उठाओ, अभी जाओ जाओ जो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाओ। क्या करे यार, खुद का पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा तो सहना तो पड़ेगा। चलो चलो रेडी, अभी निखिल जाके ब्रेकफास्ट बनाएगा मैगी और चल चार। अकेला चल, अकेला चल, चलिए अभी जाके ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, आइए सबसे आशीर्वाद लेके जाइए आप। हाँ सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए आज निखिल जी काम पता नहीं आज क्या होने वाला है खाना। चलिए चलिए चलिए, मैगी बनाना कितने इजी होते, बस ये डाल दो हो गया। मैगी बनाना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड का काम नहीं है, हो गया हो गया। चलो मैगी बना के खा लिए तो ब्रेकफास्ट मैगी जैसे दिखाने का कुछ है नहीं। चलिए और चाय बना दो, मैगी मसाला दे दो, हो गया मैगी। निखिल जी का मैगी बनाना हो गया, अब इसके बाद का प्रोसेस शुरू होगा जो कठिन कठिन काम है वो। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी निखिल दूसरा काम करेगी और है घर को पोछा करना। आ जाओ फटाफट, निखिल रेडी कर लिया वो? हाँ रेडी कर लिया, और क्या करूँ रेडी कर लिया, अभी घर को पोछा करो। चलिए महाभारत का दूसरा सीन शुरू हो रहा है, तो अभी इसको कैसे करें? इसको कैसे करें? देखा आप लोगों ने, वो बोले कैसे करें, चलो ऐसे नहीं पानी में लेके तुम अब ऐसे। हाँ इसके बाद अरे नहीं नहीं इसके बाद कपड़ा धो वॉशिंग मशीन में, ये गिर जाएगा गिर जाएगा। निखिल ने घर को क्लीन कर लिया जैसे तैसे करके, और अभी नेक्स्ट काम है लंच बनाना। वो भी क्या लंच बनेगा जी, ब्रोकली का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ, उसको आज मैं दूंगी। चलो इधर क्यों आ रहे हो, वो चुप कैसे इधर खड़े, अभी अभी निखिल कुकिंग करेगा। पनिशमेंट मिला है मुझे, आप लोग देख लीजिए। चलिए चलिए अभी लंच, और अभी लंच में क्या बनाने बताओ, आज लंच में बनाएगा ब्रोकली। कितना अच्छा घर को मैंने क्लीन किया, आप लोगों ने देखा, ब्रोकली को दिखाओ सबको, ब्रोकली और फ्रेंच बीन्स। अच्छा ये सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, जरा कैमरा को मैं ठीक कर देती हूँ। ब्रोकली आज निखिल को बनाना है, ब्रोकली और फ्रेंच बीन का फ्राई, और बनाना है एक कड़ी, और बनाना है दाल। एक काम करते हैं, मेरा एक सजेशन है, क्योंकि ब्रोकली ब्रोकली ये सब बहुत झंझट के काम है, और ऑमलेट कर लेता हूँ, मैं तो ऑमलेट में मास्टर ही हूँ, अच्छा सा ऑमलेट बना लूंगा इतना बड़ा सा। अब दाल हो जाएगा हेल्दी फूड, अच्छा फूड। रात का डिनर भी आज निखिल को ही बनाना है, ब्रोकली को फ्राई करो। नहीं, तुम एक का ऑमलेट देखा जाएगा, तुम ब्रोकली को फ्राई करो, तुम ब्रोकली को काटो, फ्रेंच बीन को काटो। इसके बाद पहले बता दो, पहले चाकू निकालना ही पड़ेगा, नाइफ तो निकले वो निकाल दिया। चपर किधर है, चपर किधर है। अच्छा ये तो एटलीस्ट सजेशन दे दो, उसको काटना है कैसे? अभी इसको एक एक सुनो, इसको छोटा छोटा करके काटो पहले। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, टाफ काम इतने इजी नहीं है। मैं बैठती हूँ। हाँ बैठो बैठो, तुम बैठो। ब्रोकली को थोड़ा सा गर्म पानी से नहीं धो वॉश कर लेते तो इसमें किसके अंदर कीड़ा रहता है ना, तो पेट में चला जाएगा, इसके लिए गर्म पानी। अच्छी बात है ना, थोड़ा सा भिगो के इसके बाद करो। अभी फ्रेंच बीन को काटो। फ्रेंच बीन को कैसे काटे? ब्रोकली को देख ली मैं कितना अच्छा से वॉश कर लिया, अभी गर्म पानी गर्म करके इसको थोड़ा सा। चलिए इसको पहले उबाल ले दीजिए, थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट का सीन आप लोग नेक्स्ट का सीन। ब्रोकली बॉयल हो गया, अभी नेक्स्ट सीन चालू है
इसका नेक्स्ट सीन वो फाइनल इवेंट है। मैंने इधर बिठा दिया, अभी उसको गैस जलाने के गैस जला बॉयलर लाइटर का तुम फ्रिज के ऊपर क्यों रखते हो? फ्रिज होने के लिए। ठीक है हमने हमने अभी उसको कलंजी देना है ना। कलंजी इधर है ऊपर देखो इसमें नहीं नीचे था। यस चलिए तो दिखाता हूँ मेरा फ्राई कैसे हुआ। अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा होगा बहुत। हाय राम, ये तो पूरा गर्व हो गया। आज तो सही में महाभारत होने वाला है। मिठू मिठू क्या है? अरे इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे मैं तो क्यों हो गया घर में? मैं तो इधर ही खा रहा था, लेकिन इसको जल कैसे गया? देखिए क्या कर दिया। हे भगवान, अभी इसको कैसे खाएंगे? फिर दिखा भी रही हो सबको तुम ऐसे हिला हिला के। दिखाओ दिखाओ थोड़ा सा कैसे होगा। लेकिन मैं तो बाजू में ही खड़ा था, लेकिन ऐसे कैसे? तुम बाजू में खड़े थे, तुम तो मेरे पीछे पीछे उस रूम में चले गई न्यूज देखने के लिए। न्यूज में गड़बड़ हो गया, टेस्ट होगा। अरे मैं तो खा लूंगी, मेरे बेटी कैसे खाएगी? तुम बहुत अच्छी। एक ऑमलेट चलो, एक ऑमलेट मैं बना लेता। नहीं तुमको नहीं। तो बोले आप लोग ऐसे हस्बैंड को क्या पनिशमेंट देना चाहिए जो दूसरे को ज्ञान देते, खुद कुछ नहीं करते? yes, बोलो yes. घर का काम वाइफ में, वाइफ को कुछ नहीं हेल्प करते? तो चलिए इसको मैं उतारती हूँ किसी भी हालत करके। इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, इसको पूरा जल गया। अभी एक ऑमलेट बनाओ और दाल बनाओ। बस तेल दे दिया, अभी तेल गर्म होने के बाद। अच्छा अच्छा फटाफट करो, बोलने का कोई जरूरत नहीं। फटाफट मैं रेसिपी बता देता हूँ ना सबको, मेरे जैसे सब बना सके। चलिए चलिए फटाफट बातें करो। देखो ऑमलेट को क्या कर दिया, फिर भी हुआ ना कितना अच्छा। एक मिनट पीछे से दिखा ना कितना निकल, कितना बाहर फेंक दिया। ऑमलेट का भरता बना दिया। ऑमलेट का अभी ये थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये थोड़ा सीधा कर देता हूँ, बस हो गया। हमने उठा उठा के दिखाओ ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हारा कैसे दिखाई देखिए। कैसे गिर गए, कोई बात नहीं, हो गया। रोटी थोड़ा सा जल गया, थोड़ा सा जल गया। आप लोगों ने देखा कितना जला, उसका शेप भी गया। अच्छा मुसूर का दाल भी हो गया। चलिए जो भी है अभी खाना खा ले। हाँ चलिए जो भी है लंच कर लेती हूँ। मेरा तो मुझे तो आज इतना गुस्सा है आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा सा कंट्रोल में हूँ। यही तो निखिल का क्या करती थी मैं एकदम ऐसे। तो चलिए लंच कर लेते, कुछ भी है ब्रोकली तो नहीं खाएगा कुछ भी मतलब। देखिए कितना सारा बर्तन पड़ा है, अभी सब बर्तन कौन धोएगा? निखिल धोएगा आज। हाँ सब बर्तन रुको, तुम्हारा फेस को मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये थोड़ा ज्यादा बर्तन का तो दिखा दिया, ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा नहीं। रुको नहीं बर्तन नहीं धो पाऊंगा मैं। तो जितना सारा बर्तन पड़ा है सब बर्तन आज निखिल धोएगा। और इतना गंदा लंच आज बनाया, देखिए खाना खा के हाथ पोछा कर रही है। इतने गंदा लंच बड़ा पनिशमेंट। तुम हाथ को क्यों पोछ रही थी? आराम नहीं, आराम नहीं, अभी धोना है सब, आज सब धोना है। इतना बड़ा पनिशमेंट मान दो।
इतना गंदा आज लंच पाया, बेटी ने कुछ खा नहीं पाया और डॉग ने बहुत सारा सॉल्ट दे दिया, हालत देखा आप लोगों ने, और एक कॉम्प्लेन तोड़ फोड़ के किसी भी हालत में मेरा बेटी को समझा बुझा के खिला दिया और मेरा भी चलेगा, क्योंकि हस्बैंड ने बनाया कुछ भी बनाया लेकिन खाना तो पड़ेगा इसलिए खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब भी वो सब बर्तन देगा, नहीं 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 आज रोटी भी बनाना है, चलिए किसी जी को बर्तन धोने दीजिए, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, किसी बर्तन धो पाएगा, टाटा। क्या होगा मुझे भी पता है, टाटा। मिठू चली गई लेकिन बात बताता हूँ, वो बहुत सारा काम उसको करना पड़ता है, कितना सारा काम है, मैं तो थक गया, मैं तो परेशान हो गया, कैसे करती इतना सारे काम, वो भी अकेले, मैं तो कभी उसको कुछ मदद नहीं करता हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि फिर कौन सा पनिशमेंट, फिर ऊपर से जो क्या करना पड़ेगा पता नहीं है, मैंने फ्रेंड को क्या बोल दिया गलती से, वो भी तो मजाक से इसे बोला था, अभी ये मजाक कितना भारी पड़ेगा मुझे पता नहीं है, तो मैं मजाक नहीं करने वाला, कभी कभी मजाक थी ना बहुत भारी पड़ता है। मुझे पूरा लग रहा है कि तुम कितना सारे काम करती हो डेली, चलिए रखती हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं हाजिर हो गया फिर से किचन में अभी रात का डिनर बनाने के लिए। हाँ हाँ अभी रात का, अभी आप लोगों को बोला था दोपहर को वो सब करके फिर थोड़े से रेस्ट में उसको भेजा, बोला चलो रेस्ट, मैं बता दिया और पूछो मत बार बार, आटा गूंदना है इसके बाद रोटी करना है, इतना तक ही है, बाकी और कुछ नहीं कराऊंगी मैं वेजिटेबल फिर से बनाने के लिए जाएगा तो हालत खराब। चलो अब स्टार्ट हो गया आटा गूंदना, आज के है ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है ना, थोड़ा सा ठंडी लग रही है, देखिए बाबूर्ची जैसा। अरे ये कोई मुश्किल का काम थोड़ा है, देखो ना मैं कितना अच्छा करता हूँ, और तो कुछ काम नहीं है डिनर के बाद, काम तो खत्म हो गया, पूरा रात किचन में बांध के जाऊंगी, पूरा रात इधर में तुमको बांध दूंगी, पूरा रात में रोटी बनाते रहूंगा जब तक कार्ट ना हो जाए, पूरा रात तुमको विंडो के साथ बांध के जाऊंगी। चलो देखिए आटा गूंद रहा है, आज तो मुझे आराम ही मिल रहा है, आज मैं पूरा दिन आराम के, दोपहर का बर्तन भी धोना नहीं पड़ा आज तो मैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताओ, उसको पनिशमेंट का चक्कर में मेरा ब्लॉग बहुत हो गई, मेरी ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, आज तुमको दिखाते दिखाते मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, आज एडिटिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, कौन सा राखू कौन सा फेंको पता नहीं, इतना अच्छा अच्छा कारनामा किया उसने ना, सब कुछ रखने को मन कर रहा है मुझे, अरे अच्छे तो बना, अरे देखिए कितना अच्छा बना है, ए डो कितना अच्छा बना है, अरे ये कोई मुश्किल का काम थोड़ा ही, दिखा दो सबको, दिखा दो, रुको 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 रुको, देखिए अच्छी तरह से फिर कितना अच्छा हुआ ना, अच्छी तरह से हो गया, अभी जो करने के लिए जा रहा हूँ ना सबसे टफ काम है ये, तो मैप हो जाएगा पूरी इंडिया का मैप हो जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मैं रेफरी हूँ। अरे हो गया ना फिर, देखो कितना राउंड हुआ, देखिए अरे कितना राउंड हो गया, आप लोग देख रहे हैं ना रोटी जो बेल रही है, हाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे, गोल गले तो रहा रे, तुमको तो सब पता है, तुम तो मुझसे देखा, मुझसे भी अच्छा गोल बना ले, देखा सब पता है, लेकिन नाटक करते है, काम ना करना पड़े, नहीं लेकिन ये ना जानबूझ कर नहीं गया, हो गया अच्छा, ऐसा होता नहीं, सब कुछ आता है निखिल को, लेकिन जानबूझ के बोलते हो ना, मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि काम ना करना पड़े ना, आप लोगों को देखिए मुझसे भी अच्छा रोटी गोल बनाया, देखा चलो जितना हो सके, इतना जो किया, इतना जो किया, अंदर कच्चा ना रह पाए, अच्छा नहीं रहे, ये देखो कितना अच्छा हो गया, देखिए ना ऐसे ऐसे जैसे वो कर रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन के साथ, पूरा प्रिपरेशन के साथ,
आज ये ब्लॉग निखिल जी के नाम है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या है, आप लोग थोड़ा सा तकलीफ करके देख लेना। चलिए फटाफट रोटी कर लेती हूँ और मैं देख रही हूँ क्या करा। चलो आज तुम रोटी बना के मेरा दिल खुश कर दो। चलो पूरा दिन तो जो भी खुश, लेकिन अभी वेजिटेबल मैं बना रही हूँ ना, वेजिटेबल मैं बना रही हूँ, रोटी वो क्योंकि वो खाने का लायक नहीं रहेगा ना, रात को रिस्क नहीं ले सकते। एक का भुजिया बना दूंगी और कुछ नहीं, एक का भुजिया बना दूँ। हाँ और तुम नहीं बिल्कुल नहीं रिस्क लेना, मेरे बेटी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगा। मोनी ने ना कर दिया पापा तुम रात को कुछ मत बनाओ। वो मोनी ने बोला हाथ जोड़ करके बोला पापा तुम रात को कुछ मत बनाओ, रोटी तक ही रहो। झुमकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदलाए वो लग प्यारा जग सारा। झुमकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तुझे कहे जीवन भर गाऊं मैं लिख के चला जाऊं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। रोटी चल रहा है, एक रोटी से थंबनेल बना दूं, एक रोटी से थंबनेल बना दूं। निखिल जी रोटी बना रहे हैं, देखा थंबनेल देखेंगे सारा दुनिया का लोग, निखिल जी रोटी से थंबनेल बनाए। तो चलो चलो ये दो रोटी मैं कर लेती हूँ। हाँ चलो 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 ठीक है। देखिए पूरा आटा से क्या कर दिया पूरा ड्रेस को। और कोई काम नहीं आज? नहीं रात का बर्तन, आज का बर्तन रात का बर्तन पूरा धोना पड़ेगा। नहीं नहीं रात का बर्तन और नहीं धुलाऊंगी मैं, इतना सेल्फिश नहीं हूँ। चलो अभी तुम रेस्ट करो, मैं आज के लिए इतना ही है, अभी रेस्ट करो। तो अभी मैं भुजिया बना लेती हूँ रोटी करके, इसके बाद डिनर करके मिलती हूँ आप लोगों से। पेट भर के खाना खा के आया, पूरा दिन तो जैसे जैसे करके बिताया, लेकिन पता चला मिठू कितना काम करती है। मैं तो पूरा दिन परेशान हो गया और किसी को मैंने ऐसा सलाह, मैं नहीं हर वाइफ ही सब ऐसे करते हैं हस्बैंड लोगों के लिए, तो इसलिए हस्बैंड लोगों को समझना चाहिए वाइफ लोग कितना तकलीफ करते हैं। इसीलिए तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन करके बोला तुम संडे को थोड़ा वाइफ को हेल्प कर। चलो आज का दिन लंच डिनर जैसे हो गया, लेकिन किया तो ना और समझ में तो आया ना कितना दिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू करना पड़ता है हम लोगों तो को काम। वाइफ को कहना हर रोज एक ही काम है सुबह से, उन लोगों का कोई छुट्टी नहीं है, संडे को भी उन लोगों को छुट्टी नहीं है। वही समझ में आया तुमको, संडे को तो और भी ज्यादा काम है। और आगे मिठू ये टाइमली नहीं हुआ, वो टाइमली नहीं हुआ, और बाकी तो है ही, और बाकी तो बहुत सारा काम है, बच्चे को संभालना, तुमको बहुत सारा काम कराया, उसको कभी खाना बनाना वो सब नहीं आता। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने इसको बोला तुम करके देखो कैसा लगता है। निखिल को पनिशमेंट देते देते मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मेरा पनिशमेंट बहुत बड़ा लंबा लंबा हो गया। तो इसलिए मैं और बातें शाते नहीं करूंगी, मेरे ब्लॉग को मैं एंड करूंगी। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखना, तभी जाके इतना अच्छा अच्छा ब्लॉग आप करना इतना अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग देख पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना, इसे हंसी मजाक वही तो लाइफ है, नहीं है, टाटा बाय बाय बाय।